बलरामपुर के वाड्रफ नगर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि घटना 29 सितंबर की है। पीड़िता घर की पुताई करने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई थी, तभी वहां पहले से आरोपी अपने साथी के साथ मौजूद था। आरोपी ने पीड़िता को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को छोड़कर भाग गए। पीड़िता ने घर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने जाकर शिकायत लिखवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाएं, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां खासतौर पर छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। मंत्री के द्वारा न तो पीड़ित परिवार से कोई मुलाकात की गई, ना कांग्रेस के लोगों ने कोई उनको सांत्वना देने की कोशिश की, और ना ही उन्होंने कोई इस पर अपराध क्रमांक 152/2020, धारा 341, 294, 506, 323, 363, 366 का, 354, 376, 34 तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएं 4 और 17 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक कक्ष में भेज दिया। और खबर